मंशा पाशा ने कंगना रनावत की बहन की बोलती बंद कर दी। मंशा पाशा के तबसरों का जवाब देते हुए कंगना रनावत की बहन रंगोली ने कहा कि आप पर तनकीद करने वाले पाकिस्तानी इस बात की तौसीक करते हैं कि आप 100% कौम परस्त हैं। कंगना रनावत की बहन और पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मंशा पाशा में समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर उस वक्त झगड़ा हुआ जब मंशा पाशा ने इल्जाम लगाया कि कंगना की बहन शोहरत हासिल करने के लिए तरक्की पसंद इकदार का इस्तेमाल करती हैं। याद रहे कि मंशा पाशा मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपनी राय देते हुए ट्विटर पर बहुत सरगर्म अमल हैं। कुछ दिन पहले लाल कबूतर फिल्म की अदाकारा मंशा पाशा ने कंगना रनावत के बारे में अपने ख्याल शेयर किए थे। उन्होंने कहा कि कंगना ने तरक्की पसंद इकदार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय हुकूमत की हिमायत की और उस हुकूमत की हिमायत की जो इख्तलाफे राय की तमाम आवाजों को दबाती है और अपनी पॉलिसी के खिलाफ होने वाली हर शेख को करप्ट रियासत मुखालफ करार देती है और जो गरीबों के लिए आवाज उठाए तो उसे मंदिर से ही गायब कर दिया जाता है। मंशा पाशा ने मजीद कहा कि इन लोगों से वाकिफ होने की जरूरत है जो आप अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इन इकदार को बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं। मंशा पाशा के तबसरों का जवाब देते हुए रंगोली ने कहा कि पाकिस्तानियों का आप पर तनकीद करना इस बात की तौसीक है कि आप 100% कौम परस्त हैं। जब पाकिस्तानी आप पर तनकीद करना शुरू कर दें तो इस बात की ताईद होती है कि आप 100% कौम परस्त हैं और एक सच्चे देशभक्त हैं। दुश्मन मुल्क के शहरियों का एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं मोहतरमा मंशा पाशा का एहतराम इसलिए नहीं कर सकती कि वो भारत का खाकर पाकिस्तान से वफा करें। मंशा पाशा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी और उन्होंने कंगना रनावत की बहन रंगोली चांदेल की बोलती बंद कर दी। 29 साल अदाकारा ने रंगोली को कहा कि वो इस मुश्किल वक्त के दौरान अपने देशभक्तों के माबेन बेदारी और मदद के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करें और पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दें।